स्वाभिक खबरों की शुरुआत करेंगे। देखिए आरटीएच आंदोलन से जुड़ी एक बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको दे दें, क्योंकि संपूर्ण कार्य बहिष्कार पर चल रहे रेजिडेंट डॉक्टर्स ने अपना कार्य का बहिष्कार खत्म करने का निर्णय लिया है। सरकार स्तर पर बातचीत हुई, बातचीत के बाद सहमति बनी, रेजिडेंट्स ने काम पर लौटने का निर्णय ले लिया है। आज से सभी काम पर लौट आएंगे। जयपुर एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसएमएस समेत अन्य अस्पतालों में आज सुबह से सेवाएं देते नजर आ जाएंगे। तो ये एक राहत भरी खबर तमाम मरीजों तीमारदारों के लिए कि अब सरकार स्तर पर जब बातचीत हुई तो बातचीत के बाद में जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं जो समर्थन कर रहे थे राइट टू हेल्थ बिल के विरोध का, वो अब काम पर लौटेंगे। आज सुबह 9:30 बजे से ये अस्पतालों में नजर आएंगे। कई सारे ऐसी पॉइंट्स थे, बिंदु थे जिस पर सहमति बनी। सहमति के बाद में सभी रेजिडेंट डॉक्टर्स ने सिग्नेचर किए और आज से काम पर सभी लौटेंगे। रेजिडेंट्स की हड़ताल खत्म होने पर निजी डॉक्टर्स की प्रतिक्रिया आई है। बोले हैं कि सरकार के दबाव में आकर यह हड़ताल उन्होंने खत्म किया है। निजी डॉक्टर्स का दावा है कि बड़ी संख्या में अन्य रेजिडेंट्स सरकार से हुई सहमति को मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में सवाल यह भी है कि रेजिडेंट्स में भी अब अलग धड़े बन गए हैं क्या? ये सवाल इसलिए क्योंकि डॉक्टर्स का कुछ और कहना है, सरकार का कुछ और कहना है। सरकार का कहना है कि रेजिडेंट्स मान गए हैं और आज से काम पर लौटेंगे, लेकिन जो डॉक्टर हड़ताल कर रहे हैं उनका सीधे तौर पर कहना है कि जो रेजिडेंट्स माने हैं, इस सरकार के दबाव में आकर उन्होंने ये फैसला किया है, लेकिन अभी भी बड़े पैमाने पर रेजिडेंट्स हमारे साथ हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या दो फाड़ इसमें भी नजर आ रहा है? रेजिडेंट्स की हड़ताल खत्म होने पर प्रतिक्रियाएं जो आ रही हैं वो देखते ही बन रही हैं। कल कुछ अंदाज में प्रदर्शन किया डॉक्टर्स ने।